फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव डिजिटल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपना खाता खसरा खसौनी कैसे निकाल सकते हैं अपने भूमि की। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम देव विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं देव डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे दबा के सब्सक्राइब कर लें और इसके बगल में एक घंटे का बटन आएगा उसे दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी एक नया गिव अवे आया है। मैं अभी एक गिव अवे रखा हूँ जो कि कल से स्टार्टिंग डेट है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। उसका जो विनर गिफ्ट है वो 850 रुपये का जो है तो ब्लूटूथ हेडसेट मिलेगा उसको, एंड सेकंड विनर को मिलेगा 200 रुपये का पेटीएम कैश। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। एंड तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमें अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो उसके लिए हमें अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। तो मैं कर लेता हूँ अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन। तो फ्रेंड्स ये मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया और इसमें आपको सिंपली लिखना है तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है एमपी भू लेख, mpvlog.gov.in और इसे आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से 3 डॉट दिख रहा होगा, तो अब आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइट कर लेना है। तो भूल एक जब आपको साइट कुछ इस तरह की दिखेगी तो आपको इसमें अब सिंपली फ्रेंड्स जाना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक फ्री सर्विस का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको यहाँ फ्री सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख रहे होंगे तो फ्री सर्विस पे क्लिक करना है। फ्री सर्विस से जाने के बाद आपको यहाँ तो कई ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जैसे आधार कार्ड लिंकिंग रिपोर्ट आप देख सकते हैं, भू नक्शा देख सकते हैं, यहाँ से डाटा परिमर्जन रिपोर्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको सिंपली खसरा के बारे में बताने वाला हूँ, तो अब आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट ओपन करना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। तो चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट रीवा है तो रीवा डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली डालना है तहसील, तो तहसील आपको जो भी हो तो डाल दीजिए। उसके बाद आपको डालना है जो भी आपका तहसील, आपका ब्लॉक जो भी आता हो वहाँ पे, मतलब पटवारी हलका जो आता हो उसे डाल दीजिए। तो फिर उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे जो आपका हलका नंबर आता हो वो डाल देना है, एंड उसके बाद आपको गांव का नाम डाल देना है। तो आप कोई भी गांव का नाम डाल दीजिए, तो मैं अपने गांव का नाम डाल देता हूँ। फिर आपको खसरा नंबर अगर है तो उससे आप चेक कर सकते हैं, नहीं है तो भू स्वामी पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद उतना करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। एक और ऑप्शन आएगा, उसमें आपको आपके गांव में, उस गांव में जितने भी भू स्वामी होंगे, मतलब जितने भी जमींदार होंगे, सभी के नाम आ जाएंगे सामने आपके। तो आप फिर किसी के भी क्लिक कर दीजिए, तो मैं इनका ही देख लेता हूँ, किसी का भी हो। उससे हमें क्या करना है, बस हमें निकालना है और उसके बाद आपको अब कैप्चा फिल कर देना है यहाँ पे। तो कैप्चा फिल करना है जो भी इसमें कैप्चा दिया है 40665, तो ये कैप्चा टाइप टाइप चेंज होता रहता है। तो इतना कैप्चा फिल करने के बाद विवरण देखे पे आपको क्लिक कर देना है। विवरण देखे क्लिक पर करने पे आपको उनके भू स्वामी जितने होंगे, मतलब जितना नंबर में खसरा नंबर जितना होगा उतने नंबर का ये मतलब आ जाएगा आपका। फिर आप यहाँ से खसरा देख सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको खसरा दिखा देता हूँ निकाल के। तो ये देखिए आपका खसरा यहाँ पे निकल आया है, इनका जिसको कहते हैं इंतखाब खसरा खतौनी जिसको कहते हैं। तो आप यहाँ से खसरा खतौनी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स तो इसी तरह से आपके पास कई ऑप्शंस रहते हैं, तो आप बहुत सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। तो
मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, सिंपली आपको जो अभी आपने किया है तो सेम वही प्रोसेस करना है आपको, और बैक करने के बाद ये फिर से बैक हो जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रहे। तो इसे बैक ना करें, जो भी करना है तो एक बार देख के करें। फिर उसके बाद आप गांव की सूची भी यहाँ से निकाल सकते हैं, विलेज की, सेम आपको प्रोसेस वही करना होगा। तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट आपको क्लिक करना होगा, रिपोर्ट चयन करना होगा, गांव की सूची देखना है वो रहता वंटिक, तो गांव की सूची आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको ज़िला भरना होगा, जो भी आपका ज़िला हो तो कोई भी ज़िला डाल दीजिए, जो भी आपका हो, तहसील डालिए जो आपका तहसील हो जहाँ का आप देखना चाहते हो। फिर उसके बाद आपको रिपोर्ट देखें पे क्लिक करना होगा, फिर आपके सामने कुछ रिपोर्ट खुल जाएगा। तो ये आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है, तो ये देखिए आपके सामने पूरा रिपोर्ट खुल जाएगा, आपको जितने भी पेजों में रिपोर्ट होगा नेक्स्ट करके देख सकते हैं। एंड तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको नक्शा तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन अगली वीडियो में आपको नक्शा निकालना भी दिखा दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।